प्रेसिडेंट जेके ICDS सुपरवाइजर्स यूनियन। तो आज हमने यहाँ डाक बंगला सोपोर में जो प्रोटेस्ट किया, इसका जो खालिस मकसद है वो ये है कि हमारी जो पेंडिंग सैलरीज है फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स, मैं आपको बताऊँ कि हम डायरेक्ट रिक्रूटेड सुपरवाइजर्स है, बोर्ड रिक्रूटिव है, हम परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, हम कोई डेलीवरेटेड वर्कर्स नहीं हैं, हम कोई ऑनरेरियम पेड वर्कर्स नहीं हैं। हमारा हक बनता है, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है। और इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया प्रेसिडेंटशिप श्रीनगर में, जो अभी भी जिसके लिए हमने पेन डाउन स्ट्राइक दी थी, वो पिछले कुछ 20 दिनों से हम पेन डाउन स्ट्राइक पे। तो आपने जो ये प्रोटेस्ट किया है किस वजह के लिए? हमारी पेंडिंग सैलरीज फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स एंड परमानेंट एम्प्लॉयज, यू कैन अंडरस्टैंड, परमानेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स। जहाँ लोग बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जहाँ जो भी आयुष्मान भारत स्कीम जो सुपरवाइजर्स हमारे कोऑर्डिनेट करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं, हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं जो कि सोशल वेलफेयर का पार्ट था, मेरे सुपरवाइजर्स कर रहे हैं। अगर सुपरवाइजर से इतना काम लिया जा रहा है तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो वागुजार नहीं हो रही है, तो कहाँ से? मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मेरे सुपरवाइजर्स को अब ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है श्रीनगर, और मैं ये सुख से कहती हूँ उनके पास किराए के लिए पैसा भी नहीं है। एंड आई एम टेलिंग थ्रू द मीडिया दैट मेरे सुपरवाइजर्स वो ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ओवर द गवर्नमेंट। हमारा आज का खालिस यही मेमोरेंडम है कि हमारी तनख्वाहें वागुजार की जाए। आज हमारा आज का प्रोटेस्ट भी इसीलिए था कि हमारी वो जो पेंडिंग सैलरी है, जो हमारा हक बनता है, जो नाइंसाफी हमारे साथ है, मेहरबानी करके वो हमारा हक है उसको तो वागुजार करें, बाकी मसले मसाइल तो हम बाद में भी देख सकते हैं, पहले फिलहाल हमारा जो हक है वो तो हमें वागुजार करें।